तो क्या है मेरे प्यारे भाई लोग, तो भाई लोग यहाँ पर बड़ी मुश्किल से, मतलब बड़ी मुश्किल क्या, मतलब ठीक है सब कुछ है, पर भाई यहाँ पर मेरा कॉन्करर हो चुका है, जो कि मेहनत तो कई करे, यहाँ पर हर बंदा मेहनत करता है भाई कॉन्करर के लिए, तो भाई मैं भी कहूँगा तो भाई मैंने भी मेहनत करी यार कॉन्करर के लिए, तो जहाँ मेरा आखिर में आके कॉन्करर हो जाता है। तो भाई यहाँ पर गेम प्ले भी कॉन्करर वाला बहुत मजा आने वाला है आप लोग को देखने में, जो कि भाई एक नंबर होने वाला है। अब यहाँ पर मैं जिस बंदे को मैं डैमेज दिया था, उस बंदे को यहाँ पर कोई और मार देता है, तो भाई इधर मेरे पे एमओ नहीं थी, तो इसलिए मैं यहाँ पर स्मोक करता हूँ एंड इस बंदे की किल लूटता हूँ। तब इधर मेरे पे एक मौली आती है जो कि भाई अच्छा खासा डैमेज दे देती है। अब मैं यहाँ समझ गया था भाई अभी एक बंदा और भाई है, मतलब जिस बंदे ने उस बंदे को मारा। तो यहाँ पर मैं हेल्थ लेता हूँ एंड अपना डीपी भी लोड करता हूँ और सामने बंदा देखता हूँ। अब भाई इस बंदे का मुझे फुट आ रहा था कि यहाँ से निकलेगा पक्का, बोल रहा हूँ भाई यार इधर मत बोलना यार, तो भाई तेरे को कैसे पता वहाँ से निकलेगा, भाई फुट आ जाता यार। अब यहाँ पर यूजी का फायरिंग आता है, मतलब यहाँ से निकल रहा होता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे बंदे मारने थे, तभी सामने से मेरे को यूजी का फायरिंग का साउंड आता है, तो मैं इस बंदे पर निकल लेता हूँ आगे की साइड। अब भाई इधर ये बंदा फुल टू फुल कवर में था और इधर मेरे को बहुत गंदा डैमेज दिया, पर मैंने भी इसको इधर डैमेज दे दिया था। अब यहाँ पर जैसे तैसे मैं निकलता हूँ, क्योंकि ये इस बंदे पर मेरा भी ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि ये सामने से एक कार और आ रही थी, अब उन दोनों की तो फाइट चल रही थी, तो मैं सोचता हूँ यही मौका है यहाँ से निकलता हूँ। अब ये बंदा भाई उस बंदे को मार रहा था जो बंदा कार लेके। अब यहाँ पर सीन देखना तुम क्या होने वाला है भाई, तो क्या ही बचाओ, मतलब मैंने M4 का लोडिंग करी थी भाई, क्या बोलूँ, ये तो नेट का प्रॉब्लम है या भाई मैं ही प्रॉब्लम हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ यार, बस उसको मार ही दिया था भाई, वो तो बढ़िया किस्मत अच्छी थी जो वो बंदा भाई नहीं मार पाया, ना तो कसम से मेरा भूत इधर ही बना देता और यहाँ पर मेरा पेटी बन जाती, वो तो बढ़िया किस्मत बोलते अच्छी है। अब यहाँ पर कार लेके फिर से निकल जाओ, तो यहाँ मुझे एक बॉट मिल गया था और जैसे तैसे मैं अपार्टमेंट पे आता हूँ तभी यहाँ से मुझे M4 का फायरिंग आता है। मैं समझ गया भाई बंदा इधर है, लौंडे को बिना मारे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास तितली है, इसलिए मैं इस बंदे पे जाता हूँ और मैं इस बंदे का पहले फुट चुनता हूँ, तो मेरे को सामने से फुट आता है इस बंदे का, तो यहाँ पे एक मौली करता हूँ। अबे ये बंदा भाई टॉप पे निकल जाता है क्योंकि इधर मेरे को फुट क्लियर आ रहा था। अब मैं समझ के तो किधर है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि एक नेट करूँ इस बंदे पे, तभी बंदा अंदर घुस जाता है, मतलब ये लौंडा फाइट नहीं लेना चाहता भाई, मतलब जैसे नेट कुक करता हूँ ना ये बंदा भाग रहा था, तो भाई मैं समझ गया था यही अच्छा मौका है, फिर से नेट निकालता हूँ, ये बंदा फिर से भागेगा, तो भाई वो सीन होता है बंदा फिर से भागता है, मेरे को फुट आता है इस बंदे का, तो ये बंदा नीचे कूद जाता है। अब देखो इस बंदे को कैसे लेते हैं, अगर इस टाइम पे मैं MPP मतलब MPP स्विच नहीं करता तो सच में ये बंदा निपटा देता, क्योंकि इस बंदे के पास अच्छा खासा व्यू मिल रहा था नीचे से ऊपर देखने का। अब मैं ऊपर आता हूँ क्योंकि भाई इधर मेरे को फेरो को मारना था। अब जैसे इधर आता हूँ तभी सामने एक बंदा जो कि भाई फेरो को मेहनत करके खोल रहा था। अब इस बंदे के साथ स्कैम क्या होने वाला वो तुम जरा देखो, मतलब बस मैं इस बंदे पे नेड कर रहा था और ये बंदे को मतलब फुट आई नहीं है, और देखो क्या होने वाला, मतलब नेड का भी इसको साउंड नहीं आ रहा, मतलब मेरा चलो ठीक है एक बार को नहीं आया, पर नेट का तो देख लिया, नेट का तो साउंड आ ही रहा था। अब यहाँ पर वेट कर रहा था बस ये पिटारा खोले मैं अंदर घुसूँ, और जैसे अंदर घुसता हूँ ना तो जितने मेरे को एक बंदे का फुट और आ जाता है। अब ये बंदा सामने होता है, अब मेन प्रॉब्लम ये थी भाई बंदा है कहाँ, तो यहाँ मैं कंफर्म करने के लिए एक नेट निकालता हूँ, और जहाँ मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा था कि उधर TPP ले रहा होगा तो इधर मैं नेट करता हूँ। अब इधर नेट नहीं होता तो मैं सोचता हूँ क्यों ना पिटारा खोलूँ, तो मेरे को फिर से साउंड आया इस बंदे का, और भाई मैं इरीटेट हो रहा था इस बंदे से बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा इस बंदे को भाई लेके जाऊँगा क्योंकि अभी मेरे पास तितली है। अब जैसे जंप करता हूँ यहाँ पर बंदा मेरे को स्पॉट हो जाता है। अब ये बताओ भाई ये बंदा था कि बॉट था, पर मैं आपको बताऊँ ना भाई बंदा ही था, क्योंकि भाई ऊपर तो यार बंदे ही आएंगे बॉट नहीं आएंगे, फिर भी कंफर्म करने के लिए मैं आपको फिर से दिखाऊंगा लास्ट में ये यही बंदा कार लेके आ रहा होता है और मैं इसको स्प्रे से मारूंगा, वो लास्ट में देखो वीडियो में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं बोल दिया ना कि भाई आप लोग को ये वीडियो देखने में इतना मजा आने वाला है ना, मतलब सोचो कि नहीं कि यार जैक भाई तुम कॉन्ग्रा लॉबी में क्या पेल रहे हो बंदे, बस देखते जाओ। अब यहाँ पर ये सीन देखो, मतलब ये भी बंदा था भाई बहुत नहीं था, सीरियसली बोल रहा हूँ, बस यहाँ से निकल रहा तो भी यहाँ पे एक कार आती है। अब इधर क्या होने वाला ना भाई, सीन ये होता है कि उस बंदे ने मेरे को डैमेज दिया, मैंने भी डैमेज दिया, पर भाई ग्रोजा का डैमेज तुमको पता है कितना ओपी डैमेज है, तो मुझे पता था इस बंदे को इजी मार दूंगा। अब इस बंदे को मारने के बाद यहाँ पे मेरे पे अच्छे खासे कॉइन हो गए थे, तो
तो मैंने सोचा कि लास्ट के लिए हो सकता है कि भाई फ्लेयर काम आ जाए। तो भाई मैं जिंदगी में आज तक मेरे गेम में कभी काम आ ही नहीं है फ्लेयर, सीरियसली बताऊँ, पर मैं फिर भी यहाँ पर फ्लेयर मंगा, तो हो सकता है भाई ले लो, कॉइन है ही है, क्या ही जा रहा है। तो यहाँ पर मैं फ्लेयर मंगा लेता हूँ और यहाँ पर थोड़ी देर तक होल्ड करता हूँ। थोड़ी देर होल्ड करने के बाद यहाँ से कार लेके आगे निकलता हूँ, क्योंकि अभी हो सकता है कि मैं बंदे यहाँ पर मार सकता हूँ, क्योंकि मुझे बस थोड़ा दूर से फाइट लेना था, मतलब क्लोजिंग फाइट नहीं लेनी थी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, तो यहाँ पर भाई एक नहीं भाई दो नहीं तीन बंदे हो रहे होते, जो कि भाई दो बंदे यहाँ पर टीम अप करे होते हैं। भाई मेरे को यहाँ पर कंफर्म नहीं था कि बंदे टीम अप करे हैं, वो मेरे को आगे जाके पता चलता है। मतलब मैं शौक में था भाई ये क्या सीन होने वाला है। मतलब मैं यहाँ पहाड़ी पर आता हूँ, इधर मेरे पे स्नाइपर थी इसलिए मैं उन्हीं बंदों को स्पॉट करता हूँ जहाँ फाइट चल रही थी, नेड़बाजी हो रहे थे। तो यहाँ पर मैं स्पॉट करने के लिए आगे आता हूँ, यहाँ से तो मुझे कोई स्पॉट नहीं हो रहा। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद तभी मेरे सामने मुझे बंदे स्पॉट हो जाते हैं। अब ये बंदा देखो, अब ये बंदा गिलिश था भाई, क्या था मेरे को नहीं पता, बस वो गोली नहीं पड़ रही थी। अभी तो मेरे को थोड़ी देर समझने के बाद आया, मतलब दिमाग में आया कि भाई ऐसे गोली नहीं पड़ेगी, थोड़ा खड़े होके मारता हूँ। और ये बंदा भाई झाग दिया भाई, इसको तो पेल दिया। वहां पर एक और बंदा था, अभी आप देखे होगे तो एक और बंदा वहां पर था। मैं थोड़ा वेट करता हूँ, एक ही गोली बची थी, तभी तो कूप का साउंड आता है। ये बंदा वही है, अभी देखना जिस बंदे को मारूंगा ना इसका नाम पढ़ना बस। भाई बंदा वही है जो वहां पर ऊपर तक लेटा था, जो मैं बोल रहा था बॉट नहीं है, है ना, तो वही रियल बंदा था भाई। तो यहाँ पर टोटल 11 किलो हो गए थे। अब सामने एक बंदा और बच रहा था और एक एमओ। अब तुम देखो सीन क्या होने वाला है। अब यहाँ पर ये वाला एमओ मैं वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं क्यों सोचता हूँ ना ग्रोजा है ही है तो मैं इसकी कार फोड़ूं। मुझे पता है बंदा पक्का निकलेगा बाहर। अब मैं इसको ये दिखाना चाहता था कि भाई इधर मेरे पे एमओ खत्म हो गई है भाई, गंदा स्प्रे दिया इधर मेरे को M4 का। अब इस बंदे को लगा कि भाई इधर मेरी ना एमओ खत्म हो गई है स्नाइपर की, इसलिए मैं ग्रोजा यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं ड्रिंक पीता हूँ और मुझे पता था बंदा पक्का पिक करेगा, तो मैं इसका कार का तो नाश कर देता हूँ और इसको स्नैपर जीत देता हूँ। मुझे पता था पिक करेगा बंदा। भाई मैं बोला था मुझे पता था बंदा पक्का निकलेगा बाहर, पर तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगा लो तो, सीरियसली बोल रहा हूँ ना, आपके किल और आप कोई प्लस होने से कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है और थोड़ा सा शांत खेलना, तो गुस्से में खेलोगे तो भाई भाई सीधा बता रहा हूँ ना मरोगे मरोगे। अब यहाँ पर मैं M4 लेता हूँ, जिन बंदों को दो बंदों को मारा था उनके M4 इधर में निकल के निकल लेता हूँ आगे के साइड। तो हमने बंदा स्पॉट होता है, मतलब तुम देख रहे हो लोंडो लड़की की, सॉरी लोंडी, हाँ लड़की की कैंपिंग देख लो भाई, गजब कैंपिंग यार। मतलब खड़ी थी वहाँ पर वो तो बढ़िया, पहले इन्हें स्पॉट कर लिया और उस बंदे को यहाँ पर मार दिया। अब यहाँ पर मारने के बाद काफ़ी देर तक इसी घर पर होल्ड करता हूँ और यहाँ पर टोटल चार किल, मतलब चार किल बोल रहा हूँ यार, चार बंदे बचते हैं। ठीक है, जैसे मैं आगे आता हूँ ना, मुझे ऊपर बंदे से होते एक बंदा ऊपर था जो कि मेरे घर के ऊपर, मुझे यहाँ पर साउंड आ गया था इसलिए मैं यहाँ पर होल्ड करता हूँ इस बंदे का। यहाँ पर इस बंदे को आराम से, भाई इसका नाम देख लो क्या है, जैक माफिया। अरे यार जैक भाई यार क्या करते हो जैक भाई, ऐसे नहीं घूमते ना ब्रदर। ठीक है, अब जैक भाई को मारने के बाद, ठीक है यार थोड़ा बहुत मेरा भी नाम जैक है पर भाई यार वो जैक माफिया था और मैं जैक हूँ। ठीक है, तो उस बंदे को मारने के बाद यहाँ पर दो किल, मतलब दो बंदे बच रहे होते हैं। ठीक है यार दोनों किल मैं ही लूँगा तो दो किल बोल सकते हैं, पर यहाँ पर भाई दो बंदे बच रहे होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग मैं लगाऊंगा, स्मोक करता हूँ एंड मैं चाहता हूँ तो इस घर के टॉप पे ऊपर चढ़ जाऊँ, क्योंकि अच्छा खासा व्यू मिलेगा तो भाई बंदे स्पॉट हो जाएगा। तो भाई वही सीन होता है, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ पे बंदा स्पॉट करता हूँ, मुझे सामने वाला बंदा स्पॉट हो गया था और मैं समझ गया जो लास्ट वाला बंदा है वो भाई कहीं भी नहीं है, इस घर पे कहीं पे होल्ड करके बैठा हुआ है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ हो सकता है कन्फर्म करने के लिए, बस एक कन्फर्म करने के लिए मैं एक मॉली छोड़ता हूँ, मुझे लगा इधर नहीं तो आगे की साइड होगा, तो यहाँ पर नेड मॉली में सब कर देता हूँ। अब मुझे लगा भाई बंदा नहीं है यार, सब तो कर दिया हूँ, तो मेरे सामने बंदा स्पॉट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं इस बंदे को डैमेज दे देता और ग्रोजा का डैमेज आपको पता ही है कैसा है।
यहाँ पर इसका थोड़ा वेट करने के बाद इस बंदे को इसी मार देते हैं। एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना गाइस। चलता हूँ टाटा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, हो सकता है इससे अच्छी प्यारी वीडियो।